एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू की बहुत ही हटकर रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इस रेसिपी को पूरी एंड तक देखेंगे तो आपका मन करेगा हर रोज मैं ऐसी तरह से आलू बनाऊं और सबको अपनी फैमिली मेंबर को खिलाऊं। अगर आलू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आलू की बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने दो कच्चे आलू लिए हैं, इसे हमने छीलकर अच्छे से धोकर रख लिया है। अब हम इन आलू को लेके इसके लंबे लंबे पीस जो है कट करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस तरीके से इन आलू के लंबे लंबे पीसेस जो है कट किए हैं। इस तरीके से हम सारे आलू, जितने भी आलू की सब्जी आपको बनानी है उतने आलू के पीसेस हम इसके कट कर लेते हैं। ये हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई गैस पे रखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ऑयल गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ये जो हमने आलू कट करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं और इसे हल्का सा थोड़ा चलाते हुए हल्का फ्राई सा कर लेते हैं इन आलूओं को। और फिर इन आलू को हम इसमें थोड़ा होने देते हैं, मतलब ढककर 2 मिनट के लिए इसमें हम पकने देते हैं ताकि हमारे आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तब तक ये इधर आलू पक रहे हैं, हम दूसरा मतलब एक पैन गैस पे रखते हैं और इसमें हम सबसे पहले सौंफ डाल देते हैं, फिर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं इस आलू की सब्जी का, जो बिल्कुल डिफरेंट है। इस सब्जी को आप एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये आलू की सब्जी कितनी स्पेशल है, कितनी अलग है। और इन मसालों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं गैस पे। फिर इसमें हम थोड़ी सी 2-3 साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं और कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी, और इन्हें थोड़ा चलाते हुए थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। जैसे ये हल्की हल्की भुन जाए, जैसे देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो गया हमारे मसालों का, गैस बंद कर देंगे और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडी हो रही है हम इधर एक बार आलू को देख लेते हैं कि हमारे आलू थोड़े बहुत हुए हैं या नहीं। इसे एक बार हम चलाते हैं, देखिए हमारे हल्के हल्के आलू हो गए हैं। इसे अभी हमारे थोड़े से और होने बाकी हैं तो हम इसे दोबारा ढक के और होने देते हैं। आप सोचोगे हमने आलू लंबे लंबे कट क्यों किए, इसके लंबे ही कट कीजिए तभी ये देखने में भी बिल्कुल अलग लगेगी। और अब ये हमारा मसाला जो है हमने जो भून के रखा था वो ठंडे हो गया है तो हम इसे एकदम पीस लेते हैं, इसका एक मसाले को एकदम पीस के तैयार कर लेते हैं। इधर हम दोबारा बीच बीच में आलू देखते रहेंगे। ये देखिए हमारे आलू भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे इस ये आलू मतलब टाइम ले रहे हैं, लेकिन आप ढक के पकाएंगे तो जल्दी हो जाते हैं, अगर आप बिना ढके करेंगे तो टाइम लग जाता है। इसमें अब हमने वो मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी हम हींग डाल देते हैं इसमें, जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल दिया, हमने हींग डाल दी इसमें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर देते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, कद्दूकस की हुई अदरक डाल देते हैं और इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ये सारे मसाले इसमें ऐड कर रहे हो गैस को एकदम सिम कर दीजिएगा और फिर तभी ऐड कीजिएगा। अगर आप गैस सिम नहीं करेंगे तो आलू आपके जल सकते हैं। ये सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए, गैस बंद कर दी है अपनी और इसमें एंड में धनिया पत्ती डाल देते हैं और हमारी आलू की सब्जी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ये आलू की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मुझे जल्दी कमेंट्स में बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को करें प्रेस। धन्यवाद।